नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि मैं एक टाइगर अटैक विक्टिम के घर गया था, जो कि एक 16 साल का बच्चा ही कहूंगा मैं जिसे। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जिस जोन में मैं इस टाइम हूँ, ये पीलीभीत खटीमा वाला जो जोन है दोस्तों, यहाँ पे टाइगर अटैक इतने होते हैं ह्यूमन पे। यहाँ के टाइगर्स की जो टेंडेंसी है, मेंटल टेंडेंसी है, वो ह्यूमन को बिल्कुल अपना प्रे ही मान के चल रहे हैं। कि यहाँ पे महीने में कम से कम, आप चाहे न्यूज़पेपर चेक कर लेना, चाहे आप गूगल पे देख लेना, यहाँ पे हर महीने 4 से 5 टाइगर अटैक होते हैं और उनमें से मुश्किल से किसी की जान बचती होगी, जो घायल होकर रह जाते होंगे, अदरवाइज सबकी जान चली जाती है, सबको टाइगर खा लेते हैं दोस्तों यहाँ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह के खतरे का लेवल हमेशा चलता रहता होगा, कैसी किसानों की यहाँ कंडीशन होगी, कैसे यहाँ खेती बाड़ी चल रही होगी और कैसी यहाँ सिचुएशन होगी। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो चैनल है वो टाइगर टेरिटरीज से ही रिलेटेड है और हम जितना भी कंटेंट बनाते हैं वो टाइगर टेरिटरीज से बनाते हैं और जंगल के नए नए रूप, नए नए रंग आप लोगों के सामने पेश करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक ऐसा रूप है जंगल का जो आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि अवेयरनेस का लेवल, सोसाइटी में अवेयरनेस का लेवल को हाई किया जा सके और इन टाइगर अटैक्स को किसी भी तरह से जो गैप्स हैं उन्हें फुलफिल करके, जो भी चीज़ों की जरूरत है उनको फुलफिल करके टाइगर अटैक्स में कमी लाई जा सके। दोस्तों, आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको जमुनिया गांव में। जमुनिया गांव दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरे का तो है ही कि वहाँ खतरनाक तो सिचुएशन रहती है, वहाँ पे टाइम टू टाइम लोगों की मैनेटिंग वाला फैक्टर सामने आता रहता है टाइगर का। लेकिन अभी रिसेंटली वहाँ पे एक टाइगर अटैक हुआ था जिसमें कि जो यादव जी थे, गंगाराम यादव जी, उन्हें बताया, उनका नाम न्यूज़पेपर में बताया जा रहा था, पब्लिश हुआ था, उनका आधा शरीर टाइगर ने खा लिया था। दोस्तों, आज हम उनके घर चल रहे हैं, आज हम उनके परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके कि क्या उस दिन ऐसी परिस्थिति हुई थी, क्या ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से ये टाइगर अटैक हुआ और कैसे हम आने वाले समय में इसे रोका जा सकता है, अगली बार किसी और की जान ना जाए, किसी और का परिवार ना उजड़े। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे वीडियो की रीच मैक्सिमम हो सके। हर हर महादेव। दोस्तों, ये जो गांव है, जिस गांव में मैं इस टाइम हूँ, ये जमुनिया गांव है। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं गंगाराम यादव जी के घर पे आया हुआ था और पूरा घटनाक्रम मैंने सुना है यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ पे परिस्थिति बनी, क्या क्या यहाँ चीज़ें हुई उस दौरान, वो सारी बातें तो मैं आप लोगों को अभी बताता ही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा पहले, सबसे पहले इस वीडियो में जो चीज़ सबसे मेजर है कि यहाँ के लोग इस टाइम पे इतने ज़्यादा ग्रसित हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं और इतने ज़्यादा, जिसे कहते ना कि गुस्से में हैं, जिसे कहते ना गुस्से में, वो किसी इंडिविजुअल से गुस्से में नहीं है या वो टाइगर से गुस्से में नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारा कोई भला नहीं कर सकता, अब हमारा कोई भला नहीं कर पाएगा। क्योंकि सिर्फ इसी गांव का उन्होंने मुझे बताया कि बीते 1 से 2 महीने में 4 बंदों का टाइगर खा चुका है यहाँ। दोस्तों, अब आप लोगों को मैं वो इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जो मुझे गंगाराम यादव जी के पिताजी ने, उनके भाइयों ने मुझे दी। दोस्तों, उनका कैंप पे ना आने का रीज़न मैंने आप लोगों को बताई दिया कि इस टाइम पे ना सिर्फ अकेले उनके गाँव ने बल्कि सारे गाँवों ने ये फैसला किया है कि हम कैमरे का, या जो कहते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर सरकार के थ्रू न्यूज़ में पब्लिश करके दिला सकते हैं या कैसे भी किसी का, मतलब हर किसी का बहिष्कार करेंगे, इवन इलेक्शनों का बहिष्कार करेंगे। जो अब इलेक्शंस आने वाले हैं जिसमें कि अभी नए पीएम का चुनाव होना है, उनका भी हम बहिष्कार करेंगे। ऐसा मतलब इन्होंने डिसीजन लिया होगा ग्राम पंचायतों ने सारी ने मिलके कि जब तक इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बाउंड्री नहीं करी जाएगी, हम इस जोन में जितने भी गाँव हैं वो इसका बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मुझे उन्होंने दी, उनकी फैमिली ने दी, वो ये दी कि उनके जो खेत हैं वो बिल्कुल पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो ये बिल्कुल जहाँ पे पीटीआर है, जैसे अभी भी गाड़ी पीटीआर में ही चल रही है, इसके आसपास के रीजन्स में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के जंगलों में उनके खेत हैं,
जो पहले से ही है, पुराने टाइम से उनके खेत होंगे, वो अभी तो नहीं बने होंगे, अभी तो नहीं खरीदे उन्होंने, वो तो पहले से होंगे, जब पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी नहीं था उस टाइम पे, तो इसको भी घोषणा नहीं करी गई थी, इसकी घोषणा भी अराउंड 15 ईयर्स पहले ही करी गई है। और टाइगर्स का नंबर, टाइगर अटैक्स जो मैनेटिंग वाला कंसेप्ट है, वो यहाँ 5 साल, लगभग 5-1 साल से शुरू हुआ है। दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हम पहले तो अपने खेतों पे ना बड़े निश्चिंतता से चले जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि अभी हम अपने खेतों पे जाते हैं तो जितने भी आसपास के खेत वाले होते हैं, हम सब लोग इकट्ठा होके जाते हैं। तो उस दिन वो 40 से 50 लोग इकट्ठा होके खेतों पे गए थे अपने अपने खेतों में काम करने के लिए। उस टाइम पे क्या हुआ कि जब दोस्तों वो खेतों से वापस आ रहे थे, तो जैसा हर गांव वाले की आदत होती है कि वहां पे लकड़ियां वगैरह पड़ी होती हैं, तो वो लकड़ियां वगैरह चुग लिया करते हैं खेतों पे काम करने वाले लोग, कि उन लकड़ियों को अपने घर में यूज कर लेंगे, ऐसा ईंधन की तरह उसे लकड़ियों को यूज कर लेते हैं वो। तो वही हुआ दोस्तों, वो लकड़ियां चुग रहे थे, मतलब लकड़ियां वगैरह बांध रहे थे उस टाइम पे, वो चुग तो उन्होंने ली थी, बांध रहे थे, और वो अकेले नहीं थे, अराउंड 40 से 50 लोग थे अलग अलग, मतलब बस वो थोड़ा सा उनसे दूर होंगे। दोस्तों एकदम से टाइगर आया और उसने उन पे अटैक कर दिया। जब उसने उन्हें पकड़ा तो उनकी चीख निकली, तो जब उनकी चीख निकली तो उनके साथ वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश करी, लेकिन इतनी देर में टाइगर ने उन्हें पकड़ा और पकड़ के घसीटता हुआ लेके चला गया जंगलों की तरफ। जब उस टाइम पे जो लोग वहां थे मौजूद, उन्होंने भी पूरी हिम्मत दिखाई, गांव वाले ही उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई, वो टाइगर के पीछे पीछे गए कि अपने साथी को बचाने के लिए या किसी भी तरह से गंगाराम जी की जान बचाने के लिए, जिनकी उम्र मात्र 35 साल थी, लगभग 35 साल उनकी उम्र थी। और ऐसा कहा जा रहा था, न्यूज़पेपर में ऐसा आया था कि उनकी एज 45 है, नहीं है दोस्तों, उनकी एज 45 नहीं है, उनकी एज 35 साल है। तभी ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को देखना इज समथिंग एल्स, और उस जगह खुद खड़े होकर जाके देखना इज समथिंग एल्स। हम जाते हैं लाइव लोकेशन पे, तभी हमें सारी इन्फॉर्मेशन सच सच पता होती है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप, अगर आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों उस टाइम पे उनके पीछे पीछे उन्हें बचाने के लिए गांव वालों ने जाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने काफी देर, 1-2 घंटे वहां लगाए, लेकिन वो उन्हें मिले नहीं, क्योंकि टाइगर काफी दूर ले जा चुका होगा इतनी देर में तो खींच के। उसके बाद उन्होंने घर वालों को इन्फॉर्म किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आया, मतलब सब जो जिनकी जिम्मेवारी होती है, जो भीड़ होती है, लगभग 300-400 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई उस स्पॉट पे। 300-400 लोगों ने रात कर दी ढूंढते ढूंढते, मतलब जितना उनसे प्रयास, जितना जिससे हो पाया ना प्रयास, इतनी कोशिश करी गई, उन्हें खूब ढूंढा गया, रात हो गई, रात को भी सर्च ऑपरेशन चलाने की कोशिश करी गई, लेकिन दोस्तों उनका कुछ पता नहीं चला गंगाराम जी का। वो एक तरह से कि मिस हो गई, मतलब मिसिंग हो गई उनकी, कि वो टाइगर उन्हें लेके चला गया, ये तो पता चल गया कि हाँ टाइगर लेके चला गया, लेकिन बिल्कुल मिसिंग। लेकिन लोगों को तो ये तो पता था लोगों को कि हाँ जान तो उनकी शायद चली गई होगी, जिस तरह से उन पर हमला हुआ, गर्दन पर हमला करता टाइगर, तो जिस तरह से गर्दन पर हमला हुआ और खींच के लेके गया, जान तो चली गई होगी, लेकिन शायद उनकी बॉडी रिकवर की जा सके उस लाइक यू नो उस अवस्था में, जिस अवस्था में जो हमारे रिचुअल्स हैं वो पूरे किए जा सके, लेकिन वो भी उनकी गलतफहमी ही साबित हुई दोस्तों। पूरी रात भी निकल गई, अगले दिन जब और दोबारा सर्च ऑपरेशन चला गया और दूर दूर के एरियाज में देखा गया, तो जिस एरिया पे अटैक हुआ था ना, जहाँ से गंगाराम जी को टाइगर लेके गया था, उस एरिया से कम से कम कई किलोमीटर दूर, कईयों किलोमीटर दूर, ईख के उसके गेहूं के खेतों में, ईख नहीं थी दोस्तों वहाँ, गेहूं थे, गेहूं के खेतों में उनका शव मिला। उनके शव में जो कमर से नीचे का पार्ट है वो सारा खा चुका था टाइगर, मतलब कमर से सिर्फ ऊपर का पार्ट मिला, कमर से नीचे का पार्ट मिला ही नहीं। जब ये सारी चीज़ें गांव वालों ने देखी, घर वालों ने देखी, तो एक दुख की लहर तो एक दिन से पहले से दौड़ रही थी, लेकिन जब ये चीज़ें मैनेटिंग की तरफ मुड़ी कि हाँ ये तो खाया भी गया है, और ये पहली घटना नहीं थी इस क्षेत्र में, तो दोस्तों हर महीने 4 मैनेटिंग्स हो ही जाती हैं लगभग, और बहुत ही यहाँ तो ऐसा माहौल चल रहा है कि बस जैसा उन्होंने मुझे बताया भी, उनके घर वालों ने भी बताया कि हम तो उम्मीद छोड़ गए थे, कि हमें तो पता चल गया था कि अगर टाइगर ले गया है तो शायद बॉडी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन बॉडी भी इस अवस्था में मिली तो उनके बच्चों का, उनके परिवार का रो रो के दोस्तों बुरा हाल हो गया। सरकार की तरफ से जो मदद होती हैं वो सारी मदद का आश्वासन और मदद भी मिली, ऐसा नहीं है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मदद नहीं करी, मदद भी करी, लेकिन दोस्तों क्या ये मदद, मतलब अब गाँव वालों का भी यही सवाल है कि ये तो चलो ये एक इंसिडेंस हो गया, इनके 3 छोटे बच्चे हैं, 2 लड़की हैं 1 लड़का है, और वो मैंने उन बच्चों को तीनों को देखा, तीनों बच्चे मैंने देखे, मैंने कैंप पे उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया, वो बात एक अलग है, मैं चाहता तो कैंप पे रिकॉर्ड भी कर लेता,
और वो एक बार को तैयार भी हो गए थे कि चलो यार आप तो इतनी दूर से आए हो, आप चाहते हो कि हम अपना दर्द बताएं तो बता भी देंगे। मैंने फिर भी उनसे कहा कि लेकिन अगर आप लोग किसी बहिष्कार की तरफ बढ़ रहे हो, आप लोगों को लगता है कि आपका सोल्यूशन उस चीज़ से हो सकता है, तो आप जैसे ही भी आप चाहो, आप अपनी सर अपनी जो आपकी मांग है वो जायज़ है, तो आप प्लीज़ सरकार से रिक्वेस्ट करें, हम भी करेंगे आप भी करें, कि किसी तरह इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बाउंड्री करवा दी जाए। क्योंकि उनका कहना था, गांव वालों का कहना था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये सिर्फ एक ऐसा कहते हैं ना ट्रेलर है, कि कितने लोगों की जान चली गई दोस्तों, कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी उनका ये मानना है कि ये ट्रेलर है। अभी यहाँ पे इतना बड़ा भी हादसा होगा किसी दिन कि पूरी की पूरी भीड़ पे हमला करेगा वो। अभी तो वो 40-50 लोगों को देख के धीरे धीरे करके उसका वो डर भी खत्म होता जा रहा है। कि अभी वो बता रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि वो खेतों पे गए थे तो 40-50 लोग थे, तो 40-50 लोगों से भी नहीं डर रहा था वो, बिल्कुल बड़े साइज का टाइगर बैठा हुआ था और वो डर नहीं रहा था। खूब उसे भगाने की कोशिश करी गई, खूब आवाजें करी गई, लेकिन वो एक जगह बैठा रहा और अपने शिकार पे नजर बना के रखी उसने। दोस्तों जैसे कि इस टाइम पे पूर्णागिरी माता की यात्रा चल रही है, माता का जैसे 4 महीने माता की जो यात्रा होती है, माता पे जाने के लिए यात्रीगण बहुत श्रद्धालु आते हैं, तो वो इस रास्ते का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खटीमा पूरनपुर रोड है, अदरवाइज ये जो रोड है ना, ये खुद भी इतनी खतरनाक टाइगर टेरिटरी है कि मैंने भी इस पर एक बार टाइगर देखा था। तो अभी अगर इस पर आप आवागमन देखें तो ये मत सोचिएगा कि ये कौन सी रोड है, तो आप ये समझ जाइएगा खटीमा पूरनपुर रोड है। लेकिन माता की वजह से कि माता की आजकल सवारियां निकल रही हैं, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको श्रद्धालु दिख जाएंगे। अदरवाइज दोस्तों यहाँ तो इस तरह का माहौल है, इस एरिया में इस तरह का माहौल है कि जमोनिया गांव ही नहीं, मैंने यहाँ का पिपरिया संतोष गांव ले लो, चाहे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने जो आपको गाँव दिखाया पंडरी, वो गाँव देख लो, किसी भी गाँव को आप, ये 80 गाँव के लक्ष्य उन्होंने मुझे बताया कि 80 गाँव है ये, इसमें से किसी भी गाँव को आप देख लें, सब गाँव का हाल एक ही है कि सब में किसी ना किसी को खाया जरूर है टाइगर ने, सब में बाहर खेतों में टाइगर बैठा रहता है, सब में गाँवों में बदबू भी पड़ी है खेतों में। अब उनका ये भी कहना है कि जैसे अब गेहूं की कटाई का सीजन आ गया, अब गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है 2 से 3 दिन में, तो अब किस तरह से मैनेज होगा पता नहीं। क्योंकि उनका कहना है कि अब जैसे गेहूं की कटाई शुरू होगी तो किसान खेतों पर जाएगा, उनका तो ये मानना है कि अब आप 2-4 दिन में एक स्टोरी, और क्या कह सकते हैं स्टोरी क्या मतलब, बहुत दर्दनाक हादसा 2-3 दिन में आपको फिर सुनने वाला हो, सुनने में आएगा आपको। क्योंकि गेहूं में किसानों के पास गेहूं को काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और वो खेतों में जाएंगे गेहूं को काटने के लिए, और वहाँ वो 100% बैठा ही हुआ होगा, तो आमना सामना जिस दिन कन्फ्रंटेशन हो गई उस दिन किसी न किसी की जान चली जाएगी यहाँ। दोस्तों ये तो लाइक यू नो सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी पता है कि हमें वहाँ जाने का मतलब मौत से सामना होना है हमारा, लेकिन फिर भी वो मजबूर हैं, उनके पूर्वजों ने भी खेती करी है। और बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि ये लोग यहाँ रहते क्यों हैं। दोस्तों ये लोग तो यहाँ 200 सालों से रह रहे हैं, उनकी तो वो लाइक उनका तो पैतृक जगह है वो, जैसे हमारे गांव होंगे ऐसी इनके गांव है, ये इनकी पैतृक जमीन है, ये जमीन जायदाद है इनकी। ये यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहले थोड़ी था, 15 साल पहले तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व ही नहीं था, 15 साल के आसपास वो बता रहे थे कि 15 साल पहले सारे ग्राम प्रधानों से सबको इन्फॉर्म किया गया था कि यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। उस टाइम पे शायद इन्हें खतरे का इतना अंदाजा नहीं होगा, उन्हें लगा होगा कि वहीं रहेगा वो, लाइक जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है वहीं रहेगा, और हमारे खेत तो उससे बाहर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तो खेत है नहीं हमारे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि टाइगर के लिए बाउंड्रीज नहीं होती, बाउंड्रीज इंसानों के लिए होती हैं, उन्हें नहीं पता था इस बात का। और उनका ये कहना है कि फिर भी जैसे 15 साल पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना, उसके 5-7-10 साल तक कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं हुई, कि दिख जाता था तो कोई बात नहीं, हम दूर हो जाते थे, वो अपने दूर चला जाता था। लेकिन अभी पिछले 5 साल में तो बिल्कुल पैटर्न ही बदल गया, वो जगह का हिसाब ही बदल गया, मतलब अब तो वो दिख के दूर हटने की जगह इनकी तरफ आता और उल्टा। और मैन ईटिंग कंसेप्ट तो दोस्तों पूरी इंडिया में, जैसे मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा मैन ईटिंग कंसेप्ट तो यहीं से केस आ रहे हैं। सुंदरबन भी शायद हम आने वाली वीडियोज़ में हम सुंदरबन भी कवर करें, लेकिन सुंदरबन से भी इतनी न्यूज़ नहीं आती, मैं तो उसकी भी न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, इतनी न्यूज़ तो सुंदरबन से भी नहीं आती जितनी न्यूज़ आजकल पीलीभीत टाइगर रिजर्व से आ रही है। तो दोस्तों सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे मेरी एक विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, प्लीज़ आप इसकी बाउंड्री करा दो। इन बच्चों का दुख देखना हमसे भी, मतलब छोटी छोटी उम्र में, 35 साल की उनकी उम्र थी, 3 उनके बच्चे थे,
उन बच्चों का दुख देखना, उनके चेहरे की तरफ देखना दोस्तों, हमारा भी अंदर से यू नो मन विचलित हो जाता है। और ये मेरा ही नहीं है कि मैंने तो उनसे सामना हो गया इसलिए मेरा मन विचलित हो गया, अदरवाइज जो उनका घर है, परिवार है, जो गांव वाले हैं, वो लोग तो, वो तो इस चीज़ को रोज़ देख रहे हैं, हम तो यहाँ कभी कभी आने वाले हैं दोस्तों। हमारा जैसा कि सारा कंटेंट ना टाइगर टेरिटरी से ही होता है, तो शायद हम इन चीज़ों को ज़्यादा जान पाते हैं, ज़्यादा देख लेते हैं, और मेरी वीडियोज़ के थ्रू आप भी देख लेते होंगे कि क्या चल रहा है यहाँ टाइगर टेरिटरीज में। अदरवाइज जो ये लोग यहाँ टाइगर टेरिटरीज में रहते हैं, इनके लिए तो बिल्कुल ये कॉमन सी चीज़ है, किसी को भी खा लेता है, कभी किसी को फाड़ देता है, किसी की बॉडी के हाथ हाथ मिल रहे हैं, किसी की बॉडी के पैर पैर मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही बुरा सिनेरियो है दोस्तों, बहुत ही दुख होता है ये सिचुएशन देख के। और उन परिवारों की भी हमसे सिर्फ एक ही विनती होती है, हर बार तो वो कैंप पे आके विनती कर देते हैं, इस बार जैसे कि वो बहिष्कार का दौर चल रहा है तो इसलिए उन्होंने कैंप पे आके नहीं बोला, अदरवाइज उन्होंने मेरे से तो बोला ही कि प्लीज़ हमारे लिए आवाज़ उठाओ, कृपया करके हमारे लिए आवाज़ उठाओ, हमारे साथ लोगों को जोड़ो, हमें पैसे नहीं चाहिए, कि जितने पैसे मरने के बाद दे देते हो ना वो पैसे नहीं चाहिए, हमें तो बस बाउंड्री चाहिए PETR की, ये टाइगर बाहर ना आए बस इससे निकल के, अगर ये टाइगर बाहर ही नहीं आएगा तो हमारे खेतों में भी नहीं आ पाएगा और गाँव में भी हम सुरक्षित रहेंगे अपने। दोस्तों ये जो टाइगर अटैक लोकेशन से मैं वीडियोस बनाता हूँ या उनकी फैमिलीज को जो मैं विजिट करता हूँ, इसके कुछ ना रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न यही है कि जो सच्ची घटना है ना वो सामने आए, ताकि जिनकी जान चली गई उनकी जान तो देखिए कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट उस बात को सुन के किसी और की जान ना जाए, किसी और इतनी अवेयरनेस हम अपने चैनल के थ्रू फैला दें कि लोग जो जंगल के आसपास में रहने वाले लोग हैं कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढें, ना कि अपनी जान पे खतरा लेने के बजाय। जो टाइगर टेरिटरीज में रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, गांव के लोग भी हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो सकें, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने वाले लोग भी इतने ज़्यादा अवेयर हो सकें कि अगर किसी की भी हम जान बचा सकें इस अवेयरनेस के थ्रू, टाइगर के पैटर्न को समझ के। दोस्तों टाइगर का पैटर्न तो एक ऐसी चीज़ है ना, बड़े से बड़े रिसर्चर्स नहीं समझ पाए, जो कहते हैं ना कि हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, टाइगर को हमने ये कर दिया वो कर दिया, दोस्तों हर बार ना टाइगर अपना एक ऐसा रंग दिखा देता है उन्हें कि उन्हें पता चल जाता है कि हम तो गलत थे। तो टाइगर ना एक्सपर्ट तो कोई है ही नहीं टाइगर के केस में, क्योंकि वो भी एक ब्रेन है, उस पर भी उसकी हर बार सोचने का तरीका अलग होता है, हर बार कुछ चीज़ें उसकी कॉमन होती हैं, लेकिन हर चीज़ को ना वो टाइम टू टाइम झूठा साबित कर देता है। जो कहते हैं ना कि वो ये नहीं करता, अरे वो ये नहीं करता, अरे वो पेड़ पे नहीं चढ़ता, ये नहीं करता, वो हर चीज़ ना करके दिखा देता है फिर। तो दोस्तों फिर भी लेकिन अवेयरनेस का लेवल तो इंक्रीज किया ही जा सकता है। तो सबसे पहला रीज़न तो होता है अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना, ताकि ये हादसों में कमी आ सके, अगर बिल्कुल बंद ना हो तो कमी आ जाए। दूसरा, किसी ज़रूरतमंद की मदद, कि अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करा सकें, जैसे जिनके घर से जो सदस्य चले गए वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन जो उनकी जिम्मेवारियाँ पीछे रह गई हैं, अगर किसी भी तरह से अगर उनकी किसी भी जिम्मेवारी में हम उनका साथ दे सकें तो वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो आप करते हैं ना वही आपके पास आता है लौट के कई गुना होके, आप अच्छा करेंगे वो भी, बुरा करेंगे तो भी, तो ये भी एक रीज़न होता है। और तीसरी चीज़ दोस्तों कि अगर ये चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, अगर ये चीज़ें अंदर ही अंदर छिपी रहेंगी, तो फिर दोस्तों इन चीज़ों में कमी कैसे आएगी, इन चीज़ों को तो जागरूक करना ही पड़ेगा। और दूसरा, अगर जैसे कोई इंडिविजुअल है वो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है और गवर्नमेंट उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ वो हेल्प कर सकते हैं इन सिचुएशन में, तो दोस्तों वो हेल्प भी बाहर आ सकती है, उस उनके थ्रू भी वो हेल्प हो सकती है। इसलिए मैं ये टाइगर अटैक लोकेशंस की ये जो टाइगर अटैक विक्टिम्स होते हैं इनके परिवारों से मिलता हूँ और टाइम टू टाइम उसे अपने चैनल पे पब्लिश करता रहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये अवेयरनेस से भरी वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, आप समझे होंगे परिस्थिति को, आपने उसका इवैल्यूएशन किया होगा परिस्थिति का, और कहीं ना कहीं इससे हमारी अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा, हमारे समाज में जागरूकता टाइगर को लेकर एटलीस्ट बढ़ेगी, और किसी भी तरह से किसी भी हमले को अगर हम रोक पाए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, और PETR की, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की फेंसिंग की तरफ एक कदम ज़रूर बढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जो भी होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हर हर महादेव।